नमस्ते प्रणाम, मैं राज सिंह। आज मैं भोजपुर अर्थात आरा के उदवंतपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम बेलाउर में आ गया हूँ। और यहाँ आप पीछे देख सकते हैं बेलाउर में सूर्य मंदिर, बेलाउर अर्थात बेलाउर में जो सूर्य मंदिर है, भास्कर का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। और यहाँ पे हर साल छठ की व्रत करने के लिए हजारों हजारों की संख्या में, माना जाता है कि लगभग 50 से 60 हज़ार व्रती यहाँ पे व्रत करने के लिए हर साल आते हैं। चूँकि कारण है उसका, और उन सभी कारणों को जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं आरा के उदवंतपुर के बेलाउर ग्राम में, जहाँ सूर्य मंदिर है। और आपको अंदर लेकर चलते हैं, आ जाइए, अंदर के दृश्यों को मैं दिखाऊंगा, ले चलते हैं जहाँ सूर्य भगवान की अर्थात सूर्य देवता की बड़ी मंदिर है, वहाँ पे आपको ले चलते हैं। और जहाँ पे स्थापित है वहाँ से आपको दृश्य दिखाने की प्रयास करेंगे हम कि कैसा दृश्य लगता है। पहले अंदर चलते हैं और वहाँ से आपको दृश्य दिखाने का प्रयास किया जाएगा। धीरे धीरे आप अंदर की तरफ आएंगे और यहाँ से देखेंगे इस तरीके से यहाँ लाइट का प्रबंध किया गया है। चूँकि गाँव है और गाँव में इतना कुछ होना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और आगे चलेंगे और यहाँ से दिखाएंगे बीचों बीच दोनों तरफ, चूँकि तालाब है और मतलब कहा जा सकता है कि एक तरफ से चारों तरफ से तालाब है और बीचों बीच यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, मंदिर बना हुआ है। मंदिर बना हुआ है, कैसा लग रहा है चाचा? मंदिर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है कि साक्षात सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हैं। सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ से आप जब अंदर थोड़ा सा और चलेंगे तो अंदर से पहले मंदिर का दर्शन बाद में कराएंगे, पहले यहाँ के चारों तरफ का भ्रमण कराएंगे और इसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके का यहाँ दृश्य उपस्थित होता है। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि 50 से 60 हज़ार व्रती यहाँ पे व्रत करने के लिए छठ पूजा में आती हैं। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं मौनी बाबा के द्वारा स्थापित किया गया है। मौनी बाबा जिनको यह प्रतिमा पर बहुत पसंद आई और उसी प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ये मंदिर बनवाए और बीचों बीच तालाब के बीचों बीच मंदिर स्थापित किए। आगे हम चलते चलेंगे, आइए थोड़ा इधर आ जाइए, आगे चलेंगे जहां हमको ये आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से श्रद्धालु अपने छठ करने के लिए अपनी जगहों को आरक्षित किए हैं। आइए आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं और वहाँ पे सूर्य मंदिर का आपको दर्शन कराते हैं। आप धीरे धीरे वीडियो में लगातार बने रहिए और आपको अंदर की तरफ हम ले चलते हैं। वहाँ पे जो यहाँ के पुजारी हैं और जो यहाँ पे भक्तगण हैं या श्रद्धालु हैं और जो यहाँ के कमेटी के सदस्य हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। पहले यहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं और इसके बाद आपको आगे क्या क्रियाकलाप कराएंगे, पहले दर्शन कराते हैं और पंडित जी से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी मूर्ति क्या है और इसके बारे में जानकारी देंगे। चलिए आप थोड़ा सा अंदर आ जाइए पंडित जी, थोड़ा सा पास में आ जाइएगा, आपको दिखना चाहिए, कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। और आप थोड़ा सा व्याख्यान कीजिए, आप कौन सी मूर्ति क्या है? ये मकराना पत्थर कहा जाता है, जो जयपुर में राजस्थान में इसका कारोबार होता है वहीं से ये मूर्ति आया है। जब आज़ादी का लड़ाई था उसी समय इस मंदिर का निर्माण हो रहा था। उस साइड से भी चले जाकर, थोड़ा सा उस साइड से चले जाइए और उधर से भी दिखाइए। इसके तालाब के चारों तरफ आपको भ्रमण करके भी दिखाऊंगा कि छठ का मैदान कितना लंबा है और कितने जगहों पर अभी बन गई है वेदियां, बन गई हैं, वेदी बांधा गया है छठ माँ के लिए। आपको मैं सब दिखाऊंगा इस वीडियो में, आप लगातार बने रहिए। यहाँ पे एक मनोकामना सिक्का पंडित जी की तरफ से दिया जाता है, छठ के जो दूसरका अर्घ दिया जाता है उस सुबह वाला अर्घ, सुबह वाला अर्घ में, और वो श्रद्धालु सच्चे मन से जो श्रद्धालु सिक्का लेकर जाते हैं उनका मन्नत पूरा होता है। मतलब इसी के चलते कहीं ना कहीं मनोकामनाएं सारी पूर्ण रूप से पूरी होती हैं, इसी के चलते यहाँ पे काफी भीड़ लगती है। आप पीछे जो दृश्य देख रहे हैं सभी रस्सी बांध करके और इस तरीके से अपने जगह को देवी माँ के लिए आरक्षित किया गया है। और इस साइड में आप दूर दूर तक जहाँ तक सड़क है वहाँ तक आप स्पष्ट रूप से थोड़ा सा आगे आ जाइए
और स्पष्ट रूप से आप दिखाइए, काफ़ी दूर दूर तक अपने क्षेत्रों को लोग बनाए हुए हैं और इसी में छठ की देवी का आगमन किया जाएगा और यहीं पर व्रत किया जाएगा। दूर दूर तक जहां तक आपको नज़र जा रही है, नज़र जहां तक इस साइड में भी आप दूर तक देख सकते हैं, और पीछे जब हम घूमेंगे, आप पीछे थोड़ा सा आप आ जाइए, पीछे घूम जाइए, पीछे थोड़ा पीछे चले जाइए, और पीछे में इस साइड में भी आप देख सकते हैं, इस साइड में भी कैमरा घुमा दीजिए, और यहाँ भी, और इसके ये एक साइड का भी दृश्य है। इसके अगले साइड में जब हम चलेंगे, उस साइड में जब चलेंगे, आ जाइए, अब ये एक साइड का दृश्य है, जब हम उस साइड में चलेंगे आपको दिखाएंगे कि उस साइड में भी ऐसे ही जैसा इधर आपको दृश्य देखने को मिला, वैसा ही दृश्य उस साइड में आपको देखने को मिलेगा। इस साइड अब जो आपको पीछे का दृश्य मैंने दिखाया, अब इस साइड का भी आप दृश्य देख लीजिए, किस प्रकार का स्पेस है, और इधर भी काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, और उस साइड में भी आप जितना दृश्य दिखाई दे रहा होगा आपको कैमरे में, पूरा का पूरा दृश्य छठ माँ के व्रत के लिए ही बनाया गया है। और उस साइड में यहीं से थोड़ा आप दिखा दीजिए, उस साइड में थोड़ा जूम करके, थोड़ा सा जूम कीजिए, उस साइड का दृश्य दिखाइए, जूम कीजिए। उस साइड का दृश्य भी आपको दिख रहा होगा, और तालाब के उस साइड, तालाब के दूसरे साइड अर्थात पीछे के साइड में भी ऐसा ही दृश्य उपस्थित है, जहां छठ व्रती अपना व्रत करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। क्या भैया, भीड़ लगती है यहाँ पे? हाँ, हमेशा बहुत ज़्यादा। क्यों भीड़ लगती है यहाँ पे, क्या कारण रहा है? बिहार का प्रसिद्ध जगह है जहाँ छठ होता है। इस रूप से देख सकते हैं कि जो बिलाउर का सूर्य मंदिर है, आपको इस साइड से कैसा दृश्य दिख रहा है, और इस साइड से थोड़ा सा आप इधर कैमरा घुमा लीजिएगा तो आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा कि ये सारे जगह जो मैंने हाथों से दिखा रहा हूँ, ये सारे जगह जो हैं छठ करने के लिए बनाए गए हैं। और ऐसा ही दृश्य जब आप तालाब के उस साइड में जाइएगा, जिस साइड अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं, जिधर हमारी अंगुली जा रही है, उस साइड में अगर जाइएगा तो वहां भी आपको वैसा ही दृश्य दिख पाएगा। और ये सब कुछ संभव हो पाता है इन लोगों के चलते संभव हो पाता है। देखिए, ये अपने काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और छठ व्रत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। क्या चाचा, भीड़ लगती है कि नहीं? बहुत लगती है। कितने दिनों से तैयारी चल रही है यहाँ पे? चार दिन से चल रही है। चार दिन से? तो यह मेरा प्रयास भोजपुर के उद्वंतपुर प्रखंड के अंतर्गत बेलाउर ग्राम से, आपको यह मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।